बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर अगले, मैं हूँ आतिफ वकास और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स की कि किस तरह जब किसी वायर के अंदर करंट होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर इस करंट की रिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो इसके ऊपर किस तरह से फोर्स लगा सकती है। जाहिर है, अगर करंट की वजह से ये एक मैग्नेट बन जाती है तो ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह इंटरेक्शन करता है, तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के लेक्चर में। तो इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, सबसे पहले किसने ये ऑब्जर्व किया, और फिर हम जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से फोर्स लगती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 600 BC यानी कबल मसीह, 600 कबल मसीह से भी पहले ग्रीक्स ने एक ऑब्जर्वेशन की थी। उनको मालूम था कि एक जो है पार्टिकुलर एक स्पेशल स्टोन, यानी इसको लोड स्टोन कहते हैं, दैट वाज फेरिक फेराइट आई थिंक, दैट वाज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, और उसमें ये एबिलिटी थी कि वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो इन लोगों ने मैग्नेटिज्म उस ज़माने में भी ऑब्जर्व की थी, लेकिन दैट वाज अ परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट्स के मुताबिक हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 ऑफ योर सेकेंड ईयर कोर्स। आज मैं इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेट की बात करेंगे, जो करंट की वजह से, करंट के फ्लो की वजह से जो मटेरियल, जो वायर्स जो हैं मैग्नेट्स बन जाते हैं, तो उनका बिहेवियर यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले ओरस्टिड ने ये ऑब्ज़र्व किया। ओरस्टिड ने क्या देखा, कि जो है उसने ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरियिंग कंडक्टर कैन डिफ्लेक्ट कंपास नीडल। तो ओरस्टिड की ऑब्जर्वेशन जो थी वो इंतहाई अहम, कई हवालों से अहम है कि हमें इससे ऑरिजन ऑफ मैग्नेटिज्म का पता चल जाता है कि मूविंग चार्जेस जो है वो मैग्नेटिज्म का ऑरिजन है, क्योंकि इसके अंदर करंट है, चार्जेस मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये उसने कहा कि राइट हैंड रूल से हम मालूम कर सकते हैं, और ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अगर हम उस वायर को कि जिसके अंदर करंट है अपने हाथ में पकड़े, ख्याल रहे अगर वायर में करंट है तो उसको ऐसे ही हाथ में न पकड़ें, अज्यूम दैट यू हैव ग्रैब्ड इट इन योर राइट हैंड और आपका थंब जो है इस तरह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट इज कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कर्ल ऑफ फिंगर्स देन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह हैं कि वो जहाँ से इमर्ज होती है वहीं पे टर्मिनेट होती हैं। ये इस तरह के वेक्टर्स हैं कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहता है। नेचर में कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट्स के केस में। मैग्नेट्स हमेशा डाइपोल होते हैं, और उसमें सोर्स और सिंक दोनों उसी एक मैग्नेट में होते हैं। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं और साउथ में टर्मिनेट होती हैं। आपको इन डायग्राम्स में नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह शो की जाती हैं। बहरहाल, करंट की रिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो इसमें ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, अगर आप ऊपर से उस वायर को देखें कि जिसके अंदर करंट है, तो ये डॉट ये शो करता है कि
करंट, ये डॉट जो है वायर की सिरे पे बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है बिल्कुल आउटवर्ड हो, आउट ऑफ द पेज हो, तो आपको नज़र आ रहा है कि सर्कुलर लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और अगर उस दूसरी डायग्राम को, इस डायग्राम को देखें जिसमें करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्रॉस नज़र आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन के बारे में ये बता रहा है कि इन टू द पेज है, तो इसकी एंट क्लाक वाइज में आपको सर्कल नज़र आ रही है। तो वी कैन यूज़ राइट हैंड रूल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कोई वायर जो है करंट की वजह से एक मैग्नेट बन जाता है, तो जब हम इस वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकेगी। और वो फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स बताने के लिए मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ। So force on a current carrying wire in a magnetic field, आपने एक वायर लिया और इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, फॉर इंस्टेंस हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसे रखा और आप देख रहे हैं, देखना चाहते हैं कि उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो लेट्स सपोज हियर इज़ अ वायर एंड आई हैव प्लेस्ड इट इन सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाहर से उस साइड से इस वाइट बोर्ड की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी हर दो लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, चूँकि इन टू द पेज डायरेक्शन में शो करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो क्रॉस नज़र आएगा, क्योंकि एरो जब आपसे दूर जाता है तो पीछे पर नज़र आते हैं और आपकी तरफ आता है तो डॉट नज़र आते हैं। तो ये इन टू द पेज फील्ड है और ये हमारी वायर है, ठीक है। और इस वायर के अंदर मैं अज्यूम करता हूँ कि करंट फ्लो कर रही है और वो करंट इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड है। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हमें मालूम है राइट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें मालूम है इन टू द पेज। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगी और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये फोर्स तीन चीज़ों पे, बल्कि चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर डिपेंड करती है इस बात पे कि करंट कितना है इस वायर में, इस वायर की कितनी लेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है, और तीसरा फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है जो हमने अप्लाई की हुई है एक्सटर्नली, और लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी के दरमियान एंगल क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करती है। यानी इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स जो इस वायर के ऊपर लगेगी जब भी इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। साइन थीटा है और ये फोर्स अगर आप एक्सपेरिमेंटली चेक करें तो ये फोर्स तब मैक्सिमम होती है जब फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट कैरिंग वायर वो आपस में परपेंडिकुलर हो, तो ये फोर्स मैक्सिमम होती है। डियर स्टूडेंट्स, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और
जो है लेंथ भी आम तौर पे हम स्केलर ही लेते हैं, लेकिन जिस वायर के अंदर करंट होती है उस वायर की लेंथ को हम वेक्टर रिज्यूम करते हैं, और वो वेक्टर ही होता है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन जो है दैट इज़ अलॉन्ग द कन्वेंशनल करंट इन दैट लेंथ। सो इसी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज़ आई एल क्रॉस बी, ठीक है। वैसे इसको हम उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, तो फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लेते हैं। ये फोर्स कब मैक्सिमम होगी? फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, तो ऐसे केस में हम लिखते हैं आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन ऑफ 90 इज 1, सो वी गेट आई एल बी इज मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, तो इस फोर्स, ये तो इसके मैग्नीट्यूड की बात हुई, अगर इसकी डायरेक्शन मुझे मालूम करनी है तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, और आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस वायर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो इसके लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं? फर्स्ट फिंगर जो है किस चीज़ की डायरेक्शन में होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मिडिल फिंगर जो है ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, और ये जो थंब है ये हमें उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा जो उस वायर के ऊपर लगेगी। तो इस केस में वो फोर्स अपवर्ड होगी। क्यों अपवर्ड होगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, करंट इन दिस डायरेक्शन, सो फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक करंट दी गई होती तो हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बात करते, क्योंकि जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो हमें फिर ऐसे केस में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हो तो हमने बिल्कुल अपने करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट लेनी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरह, लेकिन मिडल फिंगर जो है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट पकड़ेंगे, तो फिर फोर्स नीचे होगी। तो इस तरीके से हम उस फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 90 होता है। अगर कोई इस तरह का तरीका किया जाए कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसी डायरेक्शन में कोई वायर रखा जाए और उस वायर में करंट भी हो, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। दैट इज़ बिकॉज फोर्स इज ज़ीरो व्हेन द एंगल इज ज़ीरो, या 180, ये भी हो सकता। व्हेन द एंगल इज ज़ीरो, सो ज़ीरो हो, या ऐसे भी मुमकिन है कि आई एल बी साइन ऑफ 180, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वायर में करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो एंगल ज़ीरो या 180 होगा। साइन ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है, साइन ऑफ 180 भी ज़ीरो है, तो फोर्स ज़ीरो होगी। और फिर ये है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये बी क्या चीज़ है, बी की जो है बी का नेचर देखना चाहूँ, तो यहाँ से मुझे वो पता चल सकता है। बी जो है इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट करंट लेंथ। ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रा रिकॉल करें, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ी है, फोर्स पर यूनिट मास, फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ी है, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसको
मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और ये जब हम फ्लक्स पढ़ लेंगे तो उसकी भी बात कर लेंगे कि क्यों इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और इसके अगर यूनिट्स की बात की जाए तो बी के यूनिट्स जो हैं, एक इसका यूनिट है टेस्ला, निकोला टेस्ला मशहूर नाम है टेस्ला। और वन टेस्ला किस चीज़ की इक्वल होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, व्हेन वन न्यूटन फोर्स वन एम्पियर एंड वन मीटर लेंथ, तो हमारे पास वन टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन है। और अगर किसी वन मीटर की वायर की जिसमें करंट वन एम्पियर है उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड वन न्यूटन की फोर्स लगा रही है तो हम कह सकते हैं कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ वन टेस्ला है। टेस्ला बड़ा यूनिट है, इसका स्मॉल यूनिट गाज है। गाज जो है दैट इज वन टेस्ला इज 10^4 गाज, यानी जो है 10,000 गाज जो है वो वन टेस्ला के इक्वल होता। तो ये इसका यूनिट है। अगर आप इसकी डायमेंशंस निकालना चाहें तो डायमेंशंस इसकी क्या होंगी, तो इसकी डायमेंशंस जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं न्यूटन की जगह mLT-2 और नीचे भी एक लेंथ है तो ये ऊपर जाकर लेंथ इनवर्स हो जाएगी और एम्पियर भी ऊपर चला जाएगा, सो एम्पियर इनवर्स, तो ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। एल और एल इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, हम ये लिख सकते हैं mL0T-2 a-1, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशंस हो जाएंगी। इसके बाद हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, लेट सपोज ये मैं हटा दूं, और दो वायर्स ऐसे आपस में पड़े हुए हों, एक ये है और एक ये दूसरी वायर, और दोनों में एक ही डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉनिक करंट हो या कन्वेंशनल करंट हो, अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखें कि जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं थंब इस डायरेक्शन में पकड़ूं तो इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर होंगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, और इधर से ये मर्ज होंगी, और सिमिलरली इधर से इंटर होंगी फर्स्ट अपर वायर की वजह से और इधर से इमर्ज होगी। तो इस सूरत में यह होगा कि इंटरनल फील्ड्स तो चलो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एक इंटर हो रही है और दूसरी इमर्ज हो रही है, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से, लेकिन ये दो जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और नतीजतन ये होगा कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और ये अट्रैक्ट करेंगी। सो टू पैरेलल वायर्स दैट हैविंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में उसमें करंट होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात ख़ास तौर पे याद रखें कि दोनों में कन्वेंशनल करंट हो या दोनों में इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, ऐसे ना हो कि एक की कन्वेंशनल करंट की बात हो रही हो दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक करंट की, फिर वो आप अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट
अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल रिपेल करेंगे एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल इसी तरह हम फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में बात करेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो उसके ऊपर किस तरह फोर्स एक्ट करती है। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।